बी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अग्निपथ योजना के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नारेबाजी की, बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी थे उपस्थित। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को मुंबई बुलाने के बाद बीजेपी विधायक कृष्णा खोपड़े मुंबई के लिए रवाना, कहा सरकार बनाने के बारे में पार्टी नेतृत्व करेंगे फैसला। और सोनेगांव पुलिस थाना अंतर्गत पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या की, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। विस्तार से। नागपुर में 28 जून को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव पूर्व पार्षद बंटी बाबा शेलके और नागपुर शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष तौसीफ खान के नेतृत्व में जाफरनगर अवस्थी नगर चौक में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कल नागपुर के जाफरनगर अवस्थी नगर चौक में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवाओं ने भाग लिया जो पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और मुख्य रूप से नागपुर शहर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस वक्त नागपुर शहर युवा कांग्रेस पदाधिकारी आकाश गुजर, महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस इरफान काजी, नयन तरवटकर, वसीम शेख, नीलेश खोबरागड़े, भावेश तलमले, ऑगस्टिन जॉन, अजिंक्य बोंडे, रिजवान बैग, चैतन्य वैद्य, निखिल कापसे, पुरवल ताकित, चेतन तरारे, विलियम साखरे, पलाश लिंगायत, अनुराग पाटने, मोनू खान, चिंटू खान, नीलेश बाबुलकर व असंख्य युवक कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कल का दिन बेहद अहम होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर बहुमत साबित करने को कहा है। महाराष्ट्र में अल्पमत में आई उद्धव ठाकरे सरकार का कल शक्ति परीक्षण होगा। अब शिवसेना इस बात पर कोर्ट जा रही है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने संविधान में मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उद्धव सरकार को कल बहुमत साबित करने को कहा है। कल सुबह 11 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा और शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट पूरा करने को कहा गया है। बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन किए और महाराष्ट्र की जनता की सुख समृद्धि के लिए माँ कामाख्या से मन्नत मांगी। शिंदे गुट के सभी विधायक मंदिर पहुँचे थे। दर्शन के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र की जनता की सुख समृद्धि के लिए मां कामाख्या से मन्नत मांगी है। इस बीच खबर है कि एकनाथ शिंदे गुट के सभी विधायक आज 29 जून को गुवाहाटी से गोवा जाएंगे। सभी विधायक गोवा में एक रात रुककर कल सुबह सभी 11 बजे से पहले महाराष्ट्र विधान भवन पहुंचेंगे और विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। विधायक संजय राठौर ने गुरुवार को दरवा तालुका के परमहंस भगवान श्री मूसा जी महाराज के अस्तित्व से पवित्र किए गए धामन गांव में 30 जून को विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे और नागरिकों से बातचीत भी करेंगे। राठौर एकनाथ शिंदे के दल में शामिल होने के बाद गुवाहाटी से सीधे धामनगांव पहुंचने से सभी का ध्यान उनके आगमन की ओर खींचा गया है। धामनगांव में मुख्य दरबार, चिंच देवस्थान, श्रीराम मंदिर जैसे धार्मिक स्थान हैं जहां भगवान मूसाजी महाराज की अपनी समाधि है। विधायक संजय राठौर ने यहां के विकास कार्यों के लिए विशेष प्रयास से 35 करोड़ रुपये की विशेष निधि स्वीकृत की है। पहले चरण में भक्ति निवास, डिंडी मार्ग, जोड़ा रास्ता, सभागृह, भोजन सभागृह जैसे विभिन्न कार्य इसी कोष से किए जाए। इस विकास कार्य का उद्घाटन समारोह गुरुवार 30 जून को आयोजित किया गया है। आयोजन के लिए एक भव्य मंडप स्थापित किया गया है और इस आयोजन में लगभग 30,000 से 35,000 लोग भाग लेंगे। एकनाथ शिंदे के समूह में शामिल होने के बाद संजय राठौर 30 जून को पहली बार जिले में आ रहे हैं और वह सीधे भगवान मूसाजी मौली के दरबार में आ रहे हैं। यहाँ वह उपस्थित नागरिकों से बातचीत करेंगे और अपनी भूमिका पेश करेंगे, इसलिए सभी का ध्यान इस समारोह की ओर खींचा गया है। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महेंद्र की रिपोर्ट। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को मुंबई बुलाने के बाद सभी विधायक मुंबई की ओर जा रहे हैं। बीजेपी के नागपुर विधायक कृष्णा खोपड़े भी मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी विधायक आज शाम तक अपनी सुविधानुसार मुंबई जाएंगे।
शिवसेना ही नहीं बल्कि सभी विधायक सरकार से नाराज है। सरकार बनाने के बारे में पार्टी नेतृत्व का फैसला करेगा, ऐसी प्रतिक्रिया कृष्णा खोपड़े ने दी। काल सगळ्याच आमदाराले पक्षाच्या कार्यालयातून फोन आले आणि आज सगळ्याले मुंबईला पोहोचण्याकरिता सांगितलं आहे। नाही याचे काही प्रशिक्षणचा प्रश्नच येत नाही ना, जेव्हा उद्या सभागृहामध्ये सगळ्याले उद्या पोहोचायचं आहे। काय आता चित्र हे सगळ्यासमोर स्पष्ट झालं आहे, त्याच्यामुळे राजकीय परिस्थिती भी बदलली आहे। किती वेळ वाट पाहावं लागणार आहे? नाही नाही काही वाट, आता अंतिम टप्प्यात सुरू आहे सगळं। असं म्हणता येईल भाजपची सरकार येणार? येईल ना, नाही येईल ना का कारण, आता सगळं स्पष्ट झालं। नाही आज सायंकाळपर्यंत पोहोचा म्हणून सांगितलं आहे, पोहोचल्यानंतर ज्या बी काही सूचना राहील त्याप्रमाणे आम्ही सगळे कार्यकर्ते काम करणार आहोत। नाही या महाविकास आघाडीमध्ये या नागपूर शहराचे जे पालकमंत्री होते त्यांच्यामार्फत विकास निधीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात तफावत झाली आहे आणि वारंवार त्यांना मी सूचना भी केल्या, पत्रद्वारा भी कळवला आहे, परंतु त्याची दखल त्यांनी घेतली नाही। त्यानंतर आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो, उच्च न्यायालयाने भी त्यांना सांगितलं की तुम्ही तातडीने DPCC ची मीटिंग बोलवून याच्यावर निर्णय घ्या, त्यावर भी ते निर्णय घेऊ शकले नाही। आणि म्हणून आम्ही वारंवार त्यांना याबद्दल सूचित करतो की पालकमंत्री हा नागपूर शहराचा पालकमंत्री राहते, सगळ्याच्या प्रमुख राहते आणि सगळ्याले घेऊन चालण्याची जबाबदारी ही पालकमंत्र्यावर राहते। आता शिवसेनेचे आमदार आता खुल्या रूपानेच बोलत आहे कशा प्रकारचे अन्याय होत आहे, लेकिन विकास निधीच्या संदर्भात नागपूर शहराचे आमदार अन्याय करण्याचे काम पालकमंत्र्याच्या वतीने झालं। कोरोनाने छात्रों में शिक्षा में रुचि की कमी पैदा कर दी है। कोरोना को स्वेच्छा से आने दिया गया था, लेकिन अब स्कूल पूरी तरह से शुरू हो गए हैं। विभाग की ओर से विभिन्न गतिविधियों को लागू किया जा रहा है ताकि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित ना रहे। साथ ही 29 को जिले के हर एक स्कूल में बैठक का आयोजन किया गया है और इसके माध्यम से छात्रों को विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी लिंबाजी सोनवणे ने छात्रों से नियमित रूप से स्कूल आने की अपील की है। शासन निर्णय अनुसार शाळा बाह्य अनियमित आणि स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात पुन्हा आणण्यासाठी जे एक नवीन मिशन हाती घेतलेलं आहे, ज्याला आपण म्हणतोय मिशन 0 ड्रॉपआउट, गळती शून्य करणे, यासाठीचं मिशन हाती घेतलेलं आहे। आणि या मिशनच्या माध्यमातून 5 जुलै ते 20 जुलै या पंधरवड्यामध्ये सगळ्या शिक्षकांच्या मदतीने, अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने, काही स्वयंसेवकांच्या मदतीने, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांच्या मदतीने जे विद्यार्थी 1 महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून गैरहजर राहतात किंवा कामासाठी बाहेरगावी जातात पालक, अशा स्थलांतरित मुलं किंवा कामगार वस्तीवरील मुलं, वीटभट्ट्यांवरील मुलं, या सगळ्या मुलांचा शोध घेऊन या विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत दाखल करून घेण्याचं मिशन या पंधरवड्यामध्ये आपण हाती घेतलेलं आहे। त्याची मीटिंग सोमवारी माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेली आहे। त्याची सगळी पूर्वतयारी त्या मिशनची करून शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आणखी इतरही स्वयंसेवक यांच्या सहाय्याने या मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत आणण्याचं काम आपण करणार आहोत। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो,
बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में शिवसेना विधायकों से बात करते हुए गुलाबराव पाटिल ने अपने चिर परिचित अंदाज में संजय राउत को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम यहां एकनाथ शिंदे साहब को मानते हुए आए हैं। संजय राउत को नहीं पता कि 302 क्या है, वे ये भी नहीं जानते कि तड़ी पार क्या है। ये सभी बाला साहब के कोटे से बड़े हुए हैं। जब हम 92 में जेल में थे तब संजय राउत कहां थे पता नहीं। संजय राउत को जलगांव में 47 डिग्री सेल्सियस पर 35 शादियां करानी चाहिए, मैं उन्हें बदतर समझूंगा। हम बाला साहब के विचारों से प्रेरित होकर आए हैं, ये राउत नहीं समझेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया गुलाबराव पाटिल ने दी। उपस्थित सगळे माझे आमदार बंधू भगिनी मित्रांनो, आजचा प्रसंग आणि कालचा प्रसंग आणि परवाचा प्रसंग, आता आपण कसे कसे आलेले आहोत मला सांगण्याची गरज नाहीये, पण आपल्या सगळ्यांवर मजबूत पद्धतीनं मतदारसंघामध्ये किंवा जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्यावर आरोप प्रत्यारोप होत आहेत, पण ते होत असताना सुद्धा बऱ्याच पद्धतीनं आपल्या मागे लोक सुद्धा पाठीशी उभे राहत आहेत, म्हणजे दोघं प्रकार सुरू आहेत, दोघं प्रवास सुरू आहेत। आणि आपण आदरणीय शिंदे साहेबांना विश्वास ठेवून या ठिकाणी आलेलो आहोत, आपल्यावर तर भरपूर टीका झाली आहे, म्हणजे कधी प्रेत काढून घेऊ, तुमचे बाप किती, आता आमचा जीवनाचा संघर्ष बोलणाऱ्यांना माहित नाहीये। 100% आपण वंदनीय शिवसेना प्रमुखांच्या आशीर्वादाने या पदापर्यंत पोहोचले आहेत, पण आमची स्टोरी जर संजय राऊतांना सांगितली तर 92 राईटमध्ये आम्ही चागर तिघ भाऊ आणि आमचा बाप जेलमध्ये होतो, त्यावेळेस संजय राऊत कुठे होते मला माहित नाही, 56 काय असते हे संजय राऊतांना माहित नाही, 302 काय असते हे माहित नाही, आम्ही सगळ्यांनी भोगलेली आहे, तडीपाऱ्या काय असतं हे त्यांना माहित नाही, पायी चालणं काय असतं दंगलीच्या वेळेस हे त्यांना माहित नाहीये, 100% त्या वंदनीय शिवसेना प्रमुखांचं आहे, पण हे फक्त बाळासाहेबांचा फोटा लावून मोठं झालेले चित्र आहे। आपण बाळासाहेबांच्या विचारांना प्रेरित होऊन क्रिया केलेले कार्यकर्ते आहोत, त्यामुळे आपल्या 20% तरी स्वतःचा सहभाग आहे, 80% जरी संघटनेचा आशीर्वाद असला तरी 20% आपली सगळ्यांची मेहनत आहे। संजय राऊतांनी 47 डिग्री सेल्सियस तापमान मध्ये येऊन जळगावमध्ये 35 लग्न लावावेत, मी त्यांना बाळातर म्हणून समजून घेईन, त्या काळात आम्हीच लग्न लावतो, ज्यावेळेस रात्री 12 रक्ताची गरज पडते त्यावेळेस आमचा मोबाईल सुरू असतो, तो कधीच बंद असतो, अँब्युलन्सची गरज असते तर आम्ही असतो, कार्यकर्त्याचं लग्न असेल, दुःख असेल, मरण असेल, शरण असेल, सगळं आम्ही असतो। म्हणजे आम्ही जे फीडबॅक घेतो की तुम्ही घेताय, मी एकटा घेतो असं नाहीये, पण लोकांमध्ये हा कार्यकर्त्यांमध्ये हा जो विश्वास आहे की नाही नाही आम्ही शिवसेना सोडणार नाही। सोनेगाव पोलीस थाना अंतर्गत हत्या की घटना सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या की है। मृतक का नाम अंकिता सचिन भगत है, जबकि आरोपी पति सचिन भीमराव भगत पुलिस की हिरासत में है। इस घटना की जानकारी पुलिस ने दी है और पुलिस द्वारा आगे की जाँच की जा रही है। आज दोपहर को 3 के करीब शिवनगांव फाटा पे एक महिला को चाकू मारा, ऐसी जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस हरकत में आके वह स्पॉट पे गई, तो वहाँ पर एक महिला अंकिता धुर्वे नाम की एक 23-24 की महिला थी, तो उसको चाकू से मार दिया था, तो उसको तुरंत दवाखाने हॉस्पिटल लेके गए थे, उसके बाद में वहाँ जो मारने वाला था वो भी वहीं पर स्पॉट पर पकड़ लिया, उसका पति था, तो कुछ घरगुते कारण से विवाद के कारण वो पति ने उसके पत्नी को चाकू से पेट में मार के उसको हत्या कर दिया, ऐसी जानकारी आरोपी ताबे में है, आगे की तपास चालू है। नहीं, उनके 2 है महिला के, और वो कुछ मजदूरी काम करता है, और जो महिला थी वो राजशाही सिक्योरिटी सर्विसेज बोल के है, वहाँ पर वो काम अभी पिछले कुछ महीनों से काम कर रही थी। नहीं,
वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड पे काम की थी, तो वहाँ वो वारदात हो गई है। कुछ अभी घरगुती कारण है उनका, कुछ साथ में दोनों कोई बनती नहीं थी, वो अलग से रहती थी महिला, तो वो किस कारण अलग रहती थी अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके बाद मालूम हो जाएगा। सांगली शहर की गलियों में बच्चों में दहशत फैल गई है। ये आतंक किसी चोर, पुलिस वाले या भूत का नहीं बल्कि तड़कड़ताई की है। ज्येष्ठ मास में आषाढ़ी की अमावस्या को महिषासुर मर्दिनी तड़कड़ताई के भेष में दैत्य का वध करने के लिए नगर की रखवाली करने जाती है। आइए तो देखते हैं ये पूरी बात। सांगली शहर में शरीर पर साड़ी, चेहरे पर काला नकाब और हाथ में सूप लिए तड़कड़ताई दौड़ती है। ज्येष्ठ माह में सांगली भवई यात्रा में अमावस्या को जोगन्या का पर्व शुरू हो जाता है। भूतों की माता तड़कड़ताई ऐसा कहते हुए बच्चे उनका स्वागत करते हैं। जोगन्या उत्सव वरिष्ठ अमावस्या पर शाम 4 बजे शुरू होता है। कुम्हार परिवार को यह सम्मान प्राप्त है। सूप के हाथों में काली साड़ी पहनी जाती है और चेहरे को मास्क से सजाया जाता है। शाम 6 बजे तड़कड़ताई की शादी के लिए कुंभरखिंड सामरे गणपति सिटी हाई स्कूल से होते हुए हजारों की संख्या में युवा बूढ़े शादी खत्म होने के बाद वह उन बच्चों को सूप से प्रसाद देती है। यह परंपरा अब 21वीं सदी में देखी जा रही है। कुछ लोग इसे आस्था या अंधविश्वास कहते हैं। हालांकि सांगली का मूल निवासी दुनिया के कोने कोने में गया और उससे पूछा कि क्या वह कठोरता को जानता है, उसने तुरंत पहचान लिया कि पूछने वाला सांगली का है। इस तरह की प्रतिष्ठा अब इन सख्त ताई ने हासिल की है। तड़कड़ताईचा कार्यक्रम ज्येष्ठ आषाढ अमावस्याला सुरुवात होती आहे। जवळजवळ परंपरा ही आमच्या मुलग्याची सातवी पिढा आहे। आमच्या मुलग्याची सातवी पिढा आहे, आम्ही चालवत आलेला आहे। हे तड़कड़ताईचं हे सात गावाला कार्यक्रम असतो। हे तड़कड़ताई फिरली की सुपाचा वारा पिढा जाते, सारा सर्व सुकाळ सगळं चांगलं सगळं व्यवस्थित होतं आहे। यावर्षी तर 2-3 वर्षे कोरोनामुळे मुलांना तड़कड़ताई भेटली नाही। जसं वाट चुकलेल्या कोकरावानी त्या मुलांना वाटा लागले, मला पण इतकं भरून यायला लागले त्या सर्व मुलांना बघून, त्यांचा हर्ष बघून, त्यांचा खुश बघून। तड़कड़ताई म्हणजे ही एक खुशीचा आनंद आहे। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर 6 अगस्त को मतदान होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए अधिसूचना 5 जुलाई को जारी होगी। नामांकन की तारीख 19 जुलाई तक है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है। जरूरत पड़ने पर 6 अगस्त को वोटिंग होगी। अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार 19 जुलाई तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के मेंबर मतदान करते हैं। दोनों सदन के सदस्यों से मिलकर बने इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम से चुनाव होता है। उम्मीदवार 22 जुलाई तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोटिंग की तारीख रखी है और इसी दिन मतगणना भी होगी। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसके पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाना है। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।